हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर दो एग्ज़ाम के बारे में अपडेट करेंगे। पहला है बीपीएससी का एग्ज़ाम और दूसरा है सीबीएसई का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई वाला। तो इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में क्या आज की खबर है उसको इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले आप अपने हेडिंग पर देख पा रहे होंगे, डॉक्टरों की नियुक्ति में अब हो सकती है फेरबदल। उसके नीचे बीपीएससी की अपडेट है, लिखा हुआ है 64वीं मेंस अब 4 से लेकर 7 अगस्त तक होगी। यहाँ पर अखबार ने लिखने में गलती कर दी, 64वीं नहीं, वो 65वीं का एग्ज़ाम है, 65वीं का मेंस अभी होना है। उसके नीचे लिखा हुआ है बीपीएससी ने 64वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ा दी है। अब ये परीक्षा 4 से 7 अगस्त तक होगी। पहले ये परीक्षा 25, 26 और 28 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन इस अवधि में यूपीएससी की सिविल सेवा का इंटरव्यू कार्यक्रम होने से इसकी तिथि बदलनी पड़ी। बीपीएससी इसका शेड्यूल जल्द ही वेबसाइट पर जारी करेगी। अब देखिए, 64वीं नहीं 65वीं है, इसको आप, ये बीपीएससी का नोटिस है जो आज के कई अखबारों में भी निकला है, इसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा 2019 के साक्षात्कार कार्यक्रम के कारण उक्त मुख्य परीक्षा के पूर्व के निर्धारित डेट जो है उसका चेंज कर दिया गया। 4/6/2020, 5/8/2020, 7/8/2020 की जाती है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम तथा समय आयोग वेबसाइट पर, मतलब वेबसाइट पर जो ऑफिशियल इसका अपडेट होगा वो आ जाएगा। लेकिन ये भी जो प्रेस रिलीज जो जारी किया गया है आज के अलग अलग अखबारों में, ये भी ऑफिशियल डेट है एग्ज़ाम के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी 65वीं के मेन एग्ज़ाम के लिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो है कि सीबीएसई टीईटी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है। देखिए, सीबीएसई टीईटी आपके स्क्रीन पर आ गया, CTET जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित होगी। इसके लिए 2-3 दिन में एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी CTET.NIC.IN पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि अभी जो पिछले साल जुलाई वाले थे उनको बिहार में प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट में मौका दिया गया है। तो अभी जो जुलाई में 2020 जुलाई में जो एग्ज़ाम होना है, इसमें भी कई लोग इस फिराक में थे कि ये एग्ज़ाम टाइम पर होकर रिज़ल्ट निकल जाता तो वो अप्लाई कर देते, क्योंकि बिहार टीचर रिक्रूटमेंट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका हाल किसी से छुपा नहीं है। पर अभी उस तरह से जो लोग सोच रहे थे कि जुलाई में भी अगर क्वालिफाई करके अप्लाई करने का मौका मिले, यहाँ तो दिसंबर वाले को मौका नहीं मिल रहा है, तो जुलाई वाले के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि अभी तक कोई एग्ज़ाम का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और अगर आप इस न्यूज़ को भी देखें तो यहाँ पर भी कोई, अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर भी जाएं वहाँ पर भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अखबार ने किस बेसिस पे छापा ये पता नहीं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, CTET.NIC.IN पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि याद रखना होगा। एग्ज़ाम को लेकर जल्द गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी। एग्ज़ाम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य नियमों का पालन परीक्षार्थियों के केंद्रों को करना होगा। यह परीक्षा देश के 110 शहरों में आयोजित होगी। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, पर सीबीएसई की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अगर वहाँ पर भी कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाती है तो आपको इस चैनल पर दिखा देंगे। आपका अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम है या टीईटी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।